हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम 10,000 प्लस सीरीज़ की ये जो है तीसरी वीडियो है। इससे पहले दो वीडियोस बना चुके हैं, तो आप वो भी जो है हमारे चैनल पर जा कर के देख सकती हैं। तो इस वीडियो में आज हम प्राचीन भारत के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल नॉलेज के ये 10,000 प्लस क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कराने के लिए। तो देखते हैं हमारा ये वीडियो। प्रश्न नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो कौन सी लिपि है वो? डी, अज्ञात लिपि है। क्यों है, चलिए जानते हैं। अब इसके उत्तर में कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हुआ है, मतलब जो उसकी लिपि है उसको कोई अभी तक जान नहीं चुका है, कोई उसके बारे में पता नहीं कर पाया है। उनकी लिपि 400 से भी अधिक अक्षर और चित्र पर आधारित चित्राक्षर प्रकार की है, ठीक है। ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपि को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप्स ने पढ़ा था। तमिल लिपि का उद्भव ब्रह्म लिपि से हुआ ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में 1837 और जेम्स प्रिंसेप्स के बारे में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो वे पशुपति जी की पूजा करते थे। अब इसका रीज़न देख लेते हैं कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। अगर कहीं पे पशुपति आ जाए या पशुपति शिव आ जाए तो आप दोनों को ही मानेंगे। इसका प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर जिस पर योगी की आकृति बनी है से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों से प्राप्त प्रस्तर लिंग की आकृतियों से भी हमें भी शिव पूजा का प्रमाण मिलता है। इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की मूर्तियों की भी पूजा करते थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी तो कैसी थी? वे चौड़ी और सीधी थी। कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में गलियां एक दूसरों को समकोण पर काटती थी। ऑक्सफोर्ड प्रणाली थी उस टाइम। ये सड़कें प्राय चौड़ी हुआ करती थी तथा इनके दोनों किनारों पर पक्की नालियाँ बनाई जाती थी जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो वो सबसे बड़ा जो भवन था वो धान्यागार था। विशाल स्नानागार क्यों नहीं था? क्योंकि वो एक स्नानागार था, इसने यहाँ पे भवन पूछा है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख मोहनजोदड़ो से प्राप्त दो प्रमुख स्थापत्यों में विशालतम धान्यागार था जिसकी लंबाई 150 फीट और चौड़ाई जो थी 50 फीट थी। दूसरा विशाल स्थापत्य विशाल स्नानागार था जिसकी लंबाई 39 फीट और 23 फीट चौड़ी और ऊंचाई 8 फीट थी, ठीक है। अगला है, देवी माता की पूजा संबंधित थी तो किससे थी? वो सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ। देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सी सभ्यता के साथ जुड़ी हुई थी। सिंधु सभ्यता में ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि माता की उपासना वहाँ व्यापक रूप से प्रचलित थी। विभिन्न मृण मूर्तियों मुद्राओं आदि पर अंकित आकृतियों आदि से जो चित्र उभरता है उससे नारी शक्ति उपासना के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। फिर है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो वो बंदरगाह रोपड़ है, ठीक है। कौन सा है वो? रोपड़। सिंधु सभ्यता का नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह इस सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से पतन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखी जाने वाली महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो वो कौन सा था? डी, इसका उत्तर है मृतभांड, यानी कि जो वहाँ के बर्तन थे। तो क्वेश्चन में पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक क्या होती थी? वो मृतभांड होते थे। लाल मृतभांड पर चित्रित कृष्ण वक्र वर्ण आकृतियां सिंधु घाटी सभ्यता तथा घूसर एवं चित्रित घूसर मृतभांड आर्य से संबंधित माने गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जनजीवन आर्य के जनजीवन से अधिक विकसित था। मृतभांडों की संरचना ही सिंधु घाटी सभ्यता आर्य के काल का विभेद करती है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो वो पूर्व आर्य यानी कि प्री आर्यन से माना जाता है।
इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर अंकित देवता की आकृति तथा अनेक सैंधापुरा स्थलों से प्राप्त मात्र देवी की मूर्तियां यह प्रमाणित करती हैं कि मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल में हो चुका था। अगला प्रश्न है, चुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया गया था तो वो जे एच मैके ने किया था। किस प्रकार से? जे एच मैके ने चुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन दिया था। यह स्थान मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी खोज सन 1935 में जी एन मजुमदार ने की थी। मैके के उत्खनन के द्वारा यह पता लगाया गया कि यहाँ मनिका बनाने का कारखाना और भट्टी थी। ठीक है, अगला देख लेते हैं, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, सौराष्ट्र था। रंगपुर में प्राक हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ के निवासी कृषक चावल बाजरा तथा ज्वार की कृषि से संबंधित थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दधेरी एक पर्वती हड़प्पीय पुरास्थल है तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पंजाब का। दधेरी लुधियाना जिले पंजाब में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। यह एक पर्वती पुरास्थल है। यह स्थान आर्य आगमन काल से भी संबंधित है क्योंकि यहाँ चित्रित घूसर मतभांड पाए जाते हैं जो आर्य संस्कृति की विशेषता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है तो इसका आंसर क्या है? गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इस स्थल की खुदाई सन 1957 से 58 में रंगनाथ राव के नेतृत्व में हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो पाटलिपुत्र नहीं है, बाकी ये तीनों होंगे। ठीक है, पाटलिपुत्र का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है जबकि कालीबंगन और रोपड़ तथा लोथल का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे तो वे पशुपतिनाथ जी की पूजा करते थे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।